अलग अलग जगहों से बात आ रही है कि लोग रोड नहीं होने के कारण, सड़क नहीं होने के कारण कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। सर ऐसे में लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उसमें जो भी हम लोगों के मुद्दे सामने आए थे हम आपको बता भी दे रहे हैं कि तो वो भरोली का मामला हो या ढाबी का मामला हो, बहुत जगह से हम लोगों को शिकायत मिल रही है और उसको हम लोगों ने अध्ययन भी किया है। उसमें दो दिक्कतें हैं, कुछ जो रोड बनाने के समय में कुछ पोर्शन है वो रैयती हो जाते हैं, तो रैयती जमीनों पे उन लोग जो सरकारी पैसा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो है वो सतत लीज के अंतर्गत इस जमीन को लिया जा सकता है और सतत लीज में जो RWD विभाग के द्वारा जो हम लोग करते हैं उसके अंतर्गत अगर है तो वो तो सतत लीज के कार्य ले सकते हैं। लेकिन अगर वो सतत लीज की प्रक्रिया ऐसी होती है कि उसमें अगर कोई एक भी अगर आपत्ति दे दे तो उसको सतत लीज से नहीं किया जा सकता। सतत लीज का मतलब होता है कि उसमें 100% जो रैयत हमें सभी को सहमति देना पड़ेगा, इसके कारण हम लोगों को दिक्कत आता है तभी। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पर रैयती जमीन है वहाँ पर मना के उन लोगों को मना के और एक बैठक करके राज्यपाल के नाम से हो या सरकार को दान कर देते हैं तो फिर हम लोग उस तरह का रोड बना सकते हैं। और कुछ मामले ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे रोड सही में नहीं, तो जो कोर नेटवर्क का जो है वो RWD विभाग की भी आपको उनकी दिक्कत को आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे रोड ऐसे होते हैं जिनका एक कनेक्टिविटी हो गया उस मोहल्ले का, तो फिर क्या है कि अदर कनेक्टिविटी जो है RWD नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग बाकी जो माध्यम है मनरेगा है या पंचायत समिति है या जिला परिषद है उसके माध्यम से हम लोग उसको फुलफिल करने का हम लोग प्रयास करें।